ओके स्टूडेंट्स, अब हम उर्दू का राइटिंग पैटर्न लिखेंगे। उर्दू की हरूफ़ तहजी बमा छोटी अशकाल यानी कि उर्दू का राइटिंग पैटर्न करेंगे हम आप लोगों के एक्टिविटी पैक के पेज नंबर 3 पे। ऑन योर एक्टिविटी पैक पेज नंबर 3 सबसे पहले हम लोग आज की तारीख लिखेंगे। उर्दू में आज की तारीख लिखना अब आप लोग सीखेंगे क्योंकि अब आप लोग KG क्लास में आ गए हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं, इसलिए अब हम उर्दू में तारीख लिखेंगे जो कि है आज की तारीख 24। उर्दू में दो हम ऐसे लिखते हैं, दो और चार 24। महीना है हमारा थर्ड, तीसरा महीना है, और हमारा साल है 2021। तारीख लिखने के बाद हम लोग अब लिखेंगे सेंटर में जमात का काम। क्योंकि हम क्लास वर्क कर रहे हैं तो हम लिखेंगे जमात का काम। जमात कैसे लिखेंगे? जीम की छोटी शक्ल, उसके साथ ये देखिए इस तरह घुमा के हम मीम बनाएंगे। जीम मीम अलिफमा जमा आइन, और उसके साथ ते जमात, काफ अलिफ का जमात का, काफ अलिफ का मीम काम, जमात का काम। और आज का हमारा दिन है बुध। यहाँ पे हम आज का दिन लिखेंगे जो कि है बुध। बे दाल और दो आंखों वाली है बुध। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने अपना डेट, जमात का काम और डे मेंशन करना है। उसके बाद उर्दू के हरूफ तहज्जी में हम सबसे पहला अपना हर्फ लिखेंगे। क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी हरूफ तहज्जी? अलिफ से। अलिफ, अलिफ के बाद हम लोग थोड़ी सी गैप देके आगे लिखेंगे अलिफ मद आ। राइटिंग पैटर्न में अलिफ मद आ नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि अलिफ मद आ भी हरूफ तहजी का ही हिस्सा है, लेकिन वो मिस हो गया है हमारे से एक्टिविटी पैक के राइटिंग पैटर्न में। अलिफ और अलिफ मद आ लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे बे। बे कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? बे हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा इसको कर्व करेंगे, स्लीपिंग लाइन, बिल्कुल लाइन के ऊपर और थोड़ा सा कर्व करके, ये देखें बिल्कुल लाइन के ऊपर आप लोगों ने स्लीपिंग लाइन बनानी है। और बे के कितने नुक्ते होते हैं? वन डॉट बे के नीचे। बे, बे की छोटी शक्ल कैसे होगी? स्ट्रेट लाइन एंड टेल विद वन डॉट, ये हो गई बे की छोटी शक्ल। अलिफ अलिफ मद्दा बे। बे के आगे हम लिखेंगे पे, बिल्कुल बे की तरह ही पे लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा कर्वी करेंगे, स्लीपिंग लाइन प्रॉपर लाइन के ऊपर, और अगेन स्ट्रेट लाइन विथ 3 डॉट्स, ये हो गया हमारा पे। और पे की छोटी शक्ल स्ट्रेट लाइन एंड टेल विद 1, 2, 3 डॉट्स, ये हो गया हमारा पे। अलिफ अलिफ मद्दा बे और पे। उसके बाद अब हम लिखेंगे ते। ते कैसे लिखना है स्टूडेंट्स? बिल्कुल बे पे की तरह स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन पूरी लाइन के ऊपर, लाइन से नीचे बिल्कुल ना जाए, और ते के ऊपर 2 डॉट्स। इसी तरह ते की छोटी शक्ल स्ट्रेट लाइन एंड टेल विद 2 डॉट्स ते के ऊपर। उसके बाद ते के बाद आता है टे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बे का बाकी खानदान लिखा है, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन, और तोए बनानी है हमने स्ट्रेट लाइन और बी की तरह, जिस तरह बी लिखते हैं ना इंग्लिश में, हम बिल्कुल वैसा ही हमने, लेकिन हमने बी की टेल बना देनी है, तो ये हमारी टे की तोए बन जाएगी। इसी तरह टे की छोटी शक्ल और स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बी की तरह हमने तोए बना देनी है, तो ये टे बन जाएगा टे। और उसके बाद से, बे के खानदान का आखिरी हर्फ से, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड आ स्ट्रेट लाइन, और से के नुक्ते कहाँ होते हैं? से के नुक्ते ऊपर होते हैं। और इसी तरह से की छोटी शक्ल स्ट्रेट लाइन टेल विद 3 डॉट्स ऊपर। तो ये हो गया हमारा बे का खानदान पूरा। अब आगे हम जीम चे है लिखेंगे। जीम चे है कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ये देखिए, गौर कीजिए, जीम हम लिखेंगे छोटी सी स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन और हाफ सर्कल जो लाइन को यहां से टच करेगा, लाइन को टच करेगा, लाइन से ऊपर बिल्कुल भी आपने जीम नहीं लेके जाना। ये हो गया हमारी जीम की पूरी शक्ल। और अब हम जीम की आधी शक्ल लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन
और यहां से ये देखिए, ये हमने लाइन को टच किया और थोड़ा सा आगे लेके जाना है, बहुत ज्यादा नहीं। और जीम का वन डॉट, ये हो गया हमारी जीम की छोटी शक्ल। इसके आगे हम चे लिखेंगे। चे कैसे लिखेंगे? चे भी बिल्कुल जीम की तरह स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लाइन से नीचे और हाफ सर्कल इसका लाइन को टच करेगा, लाइन से ऊपर नहीं जाएगा। और चे के थ्री डॉट्स, और चे की छोटी शक्ल भी चे जीम की छोटी शक्ल की तरह स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, और ये थोड़ा सा आगे जाएगा और ये हो गया हमारा चे। जीम, चे, हे। हे कैसे लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, हाफ सर्कल, और हे का डॉट होता है स्टूडेंट्स, नहीं होता ना, तो हम कोई डॉट नहीं लगाएंगे। इसी तरह हे की आधी शक्ल भी स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, और थोड़ा सा आगे इसको ले जाएंगे तो ये हमारा हे। और आखिर में हम लिखेंगे खे, बिल्कुल जीम चे हे की तरह ही खे, स्लीप स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और हाफ सर्कल लाइन को टच करेगा, आपने लाइन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, और खे का एक नुक्ता ऊपर, और खे की छोटी शक्ल स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, और ये थोड़ा सा कर्व करके ये इसकी टेल, और ये हमारे खे की भी छोटी शक्ल बन गई। जीम चे हे खे, जीम का खानदान कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम आगे लिखेंगे दाल का खानदान। दाल कैसे लिखेंगे? हाफ सर्कल दाल, यू लाइन को टच करके एक अच्छा सा प्यारा सा हमारा दाल, बिल्कुल इसी तरह हम दाल लिखेंगे, लेकिन दाल के ऊपर क्या आती है? तोए। देखिए, हाफ सर्कल हमने बनाया और दाल की तोए बिल्कुल बी की तरह स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल बट थोड़ा सा बाहर, ये हो गया हमारा दाल। और आगे जाल, ये देखिए दाल, दाल, जाल, जाल के ऊपर नुक्ता होता है एक, कितने नुक्ते होते हैं जाल के ऊपर? एक नुक्ता होता है। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे? दाल के बाद कौन सा खानदान आता है? रे का खानदान। रे का खानदान लिखेंगे। रे स्टूडेंट्स देखिए किस तरह लिखना है, रे का स्ट्रेट लाइन जो यूं लाइन को टच करेगी और उसके बाद आ जाएगी एक स्लैंटिंग लाइन, आसान सा हमारा रे है, ठीक है। रे, रे के बाद क्या आता है? अड़े, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल लाइन को टच करके और स्लैंटिंग लाइन, और इसके ऊपर तोए, स्ट्रेट लाइन और हाफ सर्कल और थोड़ा सा बाहर हाफ सर्कल, रे, अड़े। जे, जे भी इसी तरह ही स्ट्रेट लाइन, लाइन को टच की और स्लैंटिंग लाइन, और जे के ऊपर कितने नुक्ते? वन डॉट। और जे के आगे आएगा हमारा ये कैसे? स्ट्रेट लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, और ये के कितने डॉट्स होते हैं ऊपर? थ्री डॉट्स होते हैं, तो ये हमने थ्री डॉट्स लगा दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो थोड़े से मुश्किल हरूफ स्टार्ट होते हैं वो है सीन, शीन, जो बच्चों को लिखने में मसला होता है, वो आपने गौर से देखना है मैं किस तरह लिख रही हूँ। सीन किस तरह लिखेंगे? सीन के तीन शोशे होते हैं। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, लाइन को टच किया, अगेन स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन को टच किया और फिर स्ट्रेट लाइन, ये हमने सीन के तीन शोशे बना लिए। और उसके बाद हमने बनाना है यहीं से नीचे ले जाके सीन का हाफ सर्कल। अब ये हाफ सर्कल लाइन से ऊपर आएगा। जीम चे का हाफ सर्कल लाइन को टच किया था, लेकिन ये हाफ सर्कल सीन शीन का हाफ सर्कल लाइन से ऊपर आना है। इस तरह बना हमारा सीन। अब सीन की छोटी शक्ल, सीन की बड़ी शक्ल लाइन को टच करती है, लेकिन सीन की छोटी शक्ल लाइन को टच नहीं करती, वो हवा में आती है। तो ये देखिए सीन के उसी तरह तीन शोशे, लेकिन उसकी टेल लाइन को टच करेगी, शोशे लाइन को टच नहीं करेंगे, टेल लाइन को टच करेगी, ये हो गया हमारा सीन। और इसी तरह हम लिखेंगे शीन। शीन किस तरह? सीन की तरह ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यू टेल लाइन को टच की, अगेन स्ट्रेट लाइन, टेल लाइन को टच की, अगेन स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया, अगेन स्ट्रेट लाइन, और अब ये हाफ सर्कल लाइन से ऊपर, ठीक है। इस तरह हमारा बन गया शीन, और शीन के होते हैं थ्री डॉट्स। शीन और शीन की छोटी शक्ल कैसे लिखेंगे? हवा में शीन के तीन शोशे, एक, दो, तीन, ये तीन शीन के तीन शोशे, और ये इसकी टेल, यू लाइन को टच की, थोड़ी सी आगे लेके जानी है, बहुत ज़्यादा आगे लेके नहीं जानी, लेकिन शीन के शोशे, छोटी शक्ल के शोशे हवा में आएंगे। तो इस तरह हमने लिखा अपना सीन शीन। सीन शीन के बाद आते हैं हमारे अगले दो हरूफ जो के हैं स्वाद और ज्वाद। अब स्वाद कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, ये देखिए
यहाँ पे आप लोगों ने स्वाद के लिए आप लोगों ने लगा दी एक स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन और इसका हाफ सर्कल भी लाइन से ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये जो आपने स्वाद की बनाई है इसको आप ये देखिए यू हाफ सर्कल बना दें, ठीक है। तो इस तरह ये लाइन के ऊपर ये लाइन से टच करेगा, ये हो गई स्वाद की पूरी शक्ल। अब हमने स्वाद की आधी शक्ल लिखनी है। स्वाद की पूरी शक्ल तो लाइन को टच की है, लेकिन स्वाद की जो आधी शक्ल है वो लाइन को सीन शीन की तरह टच नहीं करती, वो हवा में आती है। ये देखिए ये हमने स्वाद की आधी शक्ल हवा में बनाई, उसका शोशा और उसकी टेल ये नुकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्वाद की पूरी शक्ल और स्वाद की आधी शक्ल। इसी तरह हम ज्वाद भी लिखेंगे, पहले की तरह हम बनाएंगे। ये देखिए लाइन को टच किया, उसका एक शोशा बनाया और हाफ सर्कल लाइन से ऊपर, ठीक है। और इसके बाद इसको हमने यू राउंड कर दिया और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया, तो ज्वाद बन गया। और अब हम ज्वाद की आधी शक्ल इसी तरह हवा में बनाएंगे, कैसे, ये देखें ये ज्वाद की आधी शक्ल, उसका शोशा और थोड़ी सी टेल लाइन को टच करके, ठीक है। लाइन से नीचे नहीं जानी, लाइन को टच करेगी और ज्वाद का एक नुक्ता। स्वाद और ज्वाद, सीन शीन स्वाद ज्वाद थोड़ा सा लिखना मुश्किल होता है, अगले हरूफ आसान होते हैं। अब हम लिखेंगे तोए। तोए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बनानी है स्ट्रेट लाइन और उसकी ना छोटी सी ये टेल पीछे को निकाल देनी है, ठीक है। और इसका हाफ सर्कल हम यू बनाएंगे और इसकी भी हम यू छोटी सी स्लीपिंग लाइन बना देंगे, तो ये हमारा तोए बन जाएगा। तोए, तोए की छोटी शक्ल नहीं होती स्टूडेंट्स, इसलिए तोए के आगे हम लिखेंगे जोए। बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट लाइन और थोड़ा सा आप इसको बाहर को निकालें और इसका हाफ सर्कल और इसकी भी ये टेल, इसको ये देखिए छोटी सी आपने टेल जरूर बनानी है तोए और जोए की, और लेकिन जोए के ऊपर एक नुक्ता आएगा, तोए जोए। अब हम आइन हाइन लिखेंगे। आइन किस तरह होता है, ये देखिए हाफ सर्कल हम बनाएंगे, ये देखिए यू लाइन को टच करेगा हमारा आइन और इसका हाफ सर्कल, हाफ सर्कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे लेकिन इसका हाफ सर्कल लाइन को टच करेगा, लाइन से ऊपर नहीं जाएगा। जिस तरह जीम चे हे खे का हाफ सर्कल लाइन से ऊपर नहीं गया, इसी तरह इसका हाफ सर्कल भी लाइन से ऊपर नहीं जाएगा। ये हो गई आइन की पूरी शक्ल। अब हम आइन की आधी शक्ल लिखेंगे। सीन शीन स्वाद ज्वाद की तरह आइन की आधी शक्ल भी हवा में होगी, लाइन से टच नहीं करेगी लेकिन इसकी टेल थोड़ी सी नीचे लाके लाइन को जरूर टच करेगी। यहां पे आइन की बड़ी शक्ल में इसका हाफ सर्कल लाइन को टच किया था, लेकिन आधी शक्ल में हाफ सर्कल लाइन को टच नहीं करेगा, हवा में जाएगा। ये है आइन और आइन की छोटी शक्ल। और अब हम लिखेंगे गायन और गायन की छोटी शक्ल। इसी तरह हम लोग बनाएंगे हाफ सर्कल जो यू लाइन को टच करेगा, उसके बाद हम यहां से अगेन हाफ सर्कल बनाएंगे जो यहां पर लाइन पर आकर रुक जाएगा और गायन का एक नुक्ता, और गायन की आधी शक्ल उसी तरह आइन की तरह हवा में हाफ सर्कल, और इसको थोड़ा सा नीचे लाके आप लोगों ने इसकी ये टेल बना देनी है और इसका एक नुक्ता। तो ये हो गई हमारी गायन की आधी शक्ल, आइन और गायन। उसके आगे हम लिखेंगे फे। फे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल बे पे ते की तरह स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ऊपर करके हमने इस पे हाफ सर्कल बना देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा फे। इसी तरह फे की छोटी शक्ल भी होती है स्ट्रेट लाइन, टेल, और ये हो गई हमारी फे की आधी शक्ल, फे। उसके बाद नुक्तों वाली काफ आएगी स्टूडेंट्स। नुक्तों वाली काफ किस तरह लिखनी है, हमने हाफ सर्कल हम पहले बना लेंगे, एक अच्छा सा हाफ सर्कल जो लाइन से ऊपर जाएगा, और इसका हाफ सर्कल के अंदर हम एक हाफ सर्कल लगाएंगे जो ये लाइन को ये देखिए वो टच करेगा और काफ के दो नुक्ते। यहां पे फिर ये चीज आपने गौर करनी है कि काफ का हाफ सर्कल लाइन से ऊपर गया है, आइन गैन का हाफ सर्कल लाइन से ऊपर नहीं जाना, जीम चे हे का हाफ सर्कल लाइन से ऊपर नहीं जाना, लेकिन सीन शीन का हाफ सर्कल लाइन से ऊपर जाएगा, स्वाद ज्वाद का हाफ सर्कल लाइन से ऊपर जाएगा और काफ का हाफ सर्कल लाइन से ऊपर जाएगा, और काफ की छोटी शक्ल
यहाँ पे काफ का हाफ सर्कल लाइन को टच किया था, लेकिन यहाँ पे काफ का हाफ सर्कल लाइन को टच नहीं करेगा, ये बाकियों की तरह हवा में जाएगा, फे की तरह ही इसके ऊपर दो नुक्ते आएंगे, ठीक है काफ। उसके बाद हम वन स्टिक वाली काफ लिखेंगे, थोड़ी सी लंबी स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अगेन स्ट्रेट लाइन विद अ स्टिक, ये हो गया हमारा काफ। और काफ की छोटी शक्ल कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी कम लंबी टेल और इसके ऊपर स्टिक, ये हो गई काफ और काफ की छोटी शक्ल। अब हम लिखेंगे गाफ, बिल्कुल गाफ, काफ की तरह स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी लंबी, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन और गाफ के ऊपर कितने डंडे होते हैं, दो, दो स्टिक्स होती हैं। और उसके बाद गाफ की छोटी शक्ल, थोड़ी सी ज्यादा लंबी स्ट्रेट लाइन, टेल विद टू स्टिक्स, तो ये हमारी हो गई गाफ की छोटी शक्ल। फे काफ, काफ गाफ। अब हम लिखेंगे लाम, लाम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, लाम के लिए हम लगाएंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और लाम का हाफ सर्कल लाइन को टच करेगा, लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, फिर से आपने इस चीज का ध्यान रखना है, लाम का हाफ सर्कल लाइन से ऊपर नहीं जाएगा। और लाम की छोटी शक्ल, थोड़ी सी लंबी स्ट्रेट लाइन और थोड़ी सी इस तरह, थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर, बिल्कुल थोड़ी सी, पूरा आपने यूं नहीं करना, वो शोशा बन जाएगा, बस आपने इसको हल्का सा ऊपर बस रखना है, ठीक है, लाइन से हल्का सा ऊपर उठा देना है, तो ये लाम की छोटी शक्ल बन जाएगी। उसके बाद मीम, मीम कैसे लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये बना लिया, स्लीपिंग लाइन को थोड़ा सा लंबा करके हम नीचे ले जाएंगे, ये हो गया मीम। लेकिन मीम की छोटी शक्ल, मीम को हम उल्टा बनाएंगे, मतलब आप यू बना लें, एक फुल सर्कल बना लें और उसके बाद ऊपर से नीचे टेल, ठीक है, ये हो गई हमारी मीम की छोटी शक्ल, लाम मीम नून, नून हाफ सर्कल जो के लाइन से ऊपर जाएगा और नून का नुक्ता एक सेंटर में और नून की छोटी शक्ल, स्ट्रेट लाइन, टेल और नून की छोटी शक्ल का ऊपर नुक्ता, ठीक है। वाव, वाव की छोटी शक्ल नहीं होती, वाव की सिर्फ पूरी शक्ल होती है, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, बिल्कुल रे की फॉर्म बनाई हमने, रे बना के उसके यहां से हमने इसका हाफ सर्कल बना दिया, तो ये वाव हमारा बन जाता है, नून वाव, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके आगे हम हे लिखेंगे, हे कैसे, कुछ बच्चे इसको फुल सर्कल पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसकी ये स्टिक्स निकाल देते हैं, तो ये हमारा इस तरह से हे बन जाएगा। और हे की छोटी शक्ल कैसी होगी, आधी शक्ल स्ट्रेट लाइन, टेल और इसके नीचे एक हुक, ये बन गया हमारा हे। हमजा, हमजा की छोटी शक्ल भी नहीं होती, तो हमजा की सिर्फ बड़ी शक्ल होती है, बिल्कुल आइन की तरह, लेकिन ये लाइन को, सॉरी, जैसे हमने आइन की छोटी शक्ल लिखी थी, हमजा बिल्कुल वैसे ही होगा, हवा में इसकी इस तरह से कर्व बनेगा और इसको हम नीचे लाके इसकी स्लीपिंग लाइन, यू लाइन को टच करेंगे, तो ये हमारा सॉरी, इसकी टेल नहीं बनेगी, हमजा बस इस तरह कर्व और ये बस, ये है हमजा, ठीक है। दोबारा से मैं लिख के दिखा देती हूँ, आइन की तरह बनेगा लेकिन ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, आइन की तो हम स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, हमजा की हम स्लीपिंग लाइन नहीं बनाएंगे, छोटी है, कर्व बनाएंगे या हाफ सर्कल आप इसको कह लें, थोड़ी सी स्लांटिंग लाइन और हाफ सर्कल जो लाइन से ऊपर जाएगा, ये है हमारी छोटी है। और छोटी है की छोटी शक्ल और बड़ी है की छोटी शक्ल दोनों एक जैसी ही होती हैं, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन और उसके नीचे दो डॉट्स, ये छोटी है और उसके साथ उसकी छोटी शक्ल और ये बड़ी है, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन और कर्व के पीछे की तरफ स्लीपिंग लाइन, बिल्कुल लाइन के ऊपर भड़िए, और भड़िए की छोटी शक्ल भी ऐसे ही होगी, स्ट्रेट लाइन, टेल विद टू डॉट्स,
तो इस तरह से हमारी हरूफ तहजी मुकम्मल होती है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने एक्टिविटी पैक के नेक्स्ट पेज पर बिल्कुल इसी फॉर्मेशन के साथ और इसी नीटनेस के साथ लाइंस को टच करके आप लोगों ने लिखना है, और जहां पर जो टेल लाइन से ऊपर जा रही है वो ऊपर आपकी भी जानी चाहिए, और जो टेल लाइन को टच कर रही है आपकी भी वही टेल लाइन को टच करनी चाहिए। राइटिंग गंदी नहीं करनी, बहुत नीट काम करना है जैसे मैंने किया है, पेंसिल शार्प करके नीट नीट आप लोगों ने वर्क करना है। ओके okay?